हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ड बाय अभिमनु आई फ्रेंड्स आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइव की इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी आज के लेक्चर का ये मेन टॉपिक है एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यू एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डब्लू देन आज के लेक्चर में हम ये थ्री टॉपिक्स कवर करेंगे These topics are important for prelims as well as mains point of view. Prelims में every year government schemes, government initiatives से question पूछे जा रहे हैं Second, अगर मीन्स में आपको biodiversity कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है देन आप अपने आंसर में फाइव की इनिशियटिवस को मैंशन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपका आंसर इफ़ेक्टिव हो जाएगा ओके okay, फ्रेंड्स तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक्स को फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइव की इनिशिएटिव आपको याद रखना है ये इनिशियेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मई वाई ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मई आपको पता है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मई को होता है वर्ल्ड बायो डे यस वर्ल्ड बायो डे के दिन ये इनिशियेटिवस लिए गए फर्स्ट इनिशिएटिव की बात करते हैं फर्स्ट इनिशिएटिव है बायो संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम ये प्रोग्राम है नेशनल बायो अथॉरिटी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एन बी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी प्रम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बायो संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम किसका है देन आपका आंसर होगा एन बी ए प्लस यू एन डी पी इस प्रोग्राम के अंडर में अबाउट ट्वेंटी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड की जाएगी इस डिग्री में इस कोर्स में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की नॉलेज दी जाएगी तो ये है फर्स्ट इनिशिएटिव। सेकेंड इनिशिएटिव की बात करते हैं सेकेंड इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक कैंपेन है ये कैंपेन है ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इस कैंपेन में मेन फोकस रखा गया है कॉमन मासिस के ऊपर कॉमन मास को ये बताया जाएगा कि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने में कैसे हेल्प कर सकते हैं तो एक एक अवेयरनेस कैंपेन है ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट इनिशिएटिव को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव है एक वेब बेस्ड सेमिनार या वेब बेस्ड सीरीज इस सीरीज़ में मेन फोकस रखा गया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू और इस सीरीज़ को लॉन्च भी कर दिया गया है नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एम सी ओ पी सी ओ पी वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है पहले भी सुना है सी ओ पी क्या होता है तो सी ओ पी होता है मॉनिटरिंग बॉडी या गवर्निंग बॉडी ओके फ्रेंड्स इस कैंपेन में इस इनिशिएटिव में मेन फोकस है यंगर जनरेशन के ऊपर और इसका ऑब्जेक्टिव है यंगर जनरेशन का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ओके नेक्स्ट कैंपेन की बात करते हैं नेक्स्ट कैम सॉरी नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव भी एक अवेयरनेस कैंपेन है और इस अवेयरनेस कैंपेन के अंडर में लोगों को पब्लिक को ही बताया जाएगा कि नेचर हमारी किस टाइप से हमें किस टाइप से एकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर एक्ज़ाम्पल लाइक पॉलीनेशन तो ये भी एक कैम्पेन है फाइव इनिशियेटिवस हमने अभी डिस्कस किए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यू एन ई पी यूनाइट नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन सेवनटी टू तो आपको याद रखना है कब फाउंड किया गया है इसको नाइनटीन सेवनटी टू इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनमें कोऑर्डिनेट करना एंड डेवलपिंग कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करना टू इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज ओके फ्रेंड्स तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रिलिम्स में इन 1988, एट्टी एट यू एन ई पी एंड डब्ल्यू एम ओ इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ओके वेरी इंपॉर्टेंट फिर से देखिए नाइनटीन एट्टी एट यू एन ई पी एंड डब्ल्यू एम यू मिलकर बनाया था एस्टेब्लिश किया था इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीसीसी, वेरी इंपॉर्टेंट यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है यूएनईपी का हेडक्वार्टर है कीनिया। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू एफ को डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आपको याद रखना है ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ओके okay, ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है इसको फाउंड किया गया था इन 1961 वेरी इंपॉर्टेंट तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंड कब किया गया इन 1961 डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यस वेरी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट डब्ल्यू एफ एवरी टू ईयर दो साल में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और ये रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट तो ये था आज का हमारा लेक्चर ओके फ्रेंड्स बट जाते जाते विवेकानंद जी को समझते हैं विवेकानंद जी ने बोला था एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड ये आप अपना भी मंत्र बना लीजिए और जब तक आप यूपीएससी क्लियर नहीं करते हैं आपको रुकना नहीं है आपको थकना नहीं है Okay students, best of luck.